दोस्तों लखनऊ के कुलदीप द्विवेदी ने यूपीएससी 2015 में 242 रैंक हासिल की है। यह उनका तीसरा अटेम्प्ट था। कुलदीप ने यूपीएससी इंटरव्यू में उनसे पूछे गए कुछ सवालों और जवाबों को शेयर किया है। सवाल नंबर एक, फेसबुक और पॉलिटिक्स कैसे जुड़े हैं? दिया गया जवाब, सर फेसबुक से पार्टियां अपने कैंडिडेट की पहुंच लोगों तक आसानी से करा पाती हैं। मैनिफेस्टो जो कि आमतौर पर बैनर या पैम्पलेट में ही रहता था, अब वो इसके माध्यम से हजारों या लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। सवाल नंबर दो, हिस्ट्री से काफी ताल्लुक रखते हैं, डॉक्टर एना फ्लैपअप थ्योरी किसकी थी? दिया गया जवाब, ये डलहौसी की थ्योरी थी। ये थ्योरी ब्रिटिश सरकार के कामों को देखने और उसके आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। सवाल नंबर तीन, आपने विशाखा का नाम सुना है? दिया गया जवाब, जी सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वर्कप्लेस पर हो रहे महिलाओं के हैरेसमेंट को रोकने के लिए 1997 में गाइडलाइंस बनाई थी। इसे विशाखा के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर चार, जीआई क्या होती है? दिया गया जवाब, जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। ये किसी भी क्षेत्र की जियोग्राफी के कारण प्रोडक्ट या सर्विस की स्पेसिफिकेशन बताती है। सवाल नंबर पांच, जीआई का क्या फायदा होता है? दिया गया जवाब, इससे स्थायी लोगों को उनके हुनर के अनुसार रोजगार मिलता है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो भी कंपनी आती है, माल खरीदती है, उससे व्यक्ति को आमदनी होती है, साथ ही क्षेत्र का भी विकास होता है। सवाल नंबर छह, आप स्कूल के प्रेसिडेंट थे, वहाँ सबसे बड़े कौन से पांच बदलाव करना चाहेंगे? दिया गया जवाब, सबसे पहले वहाँ टीचर और स्टूडेंट के बीच बातचीत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहूंगा और गरीब बच्चों को भी हॉस्टल मिल सके ऐसी व्यवस्था करूंगा। सवाल नंबर सात, प्राचीन समय में मंदिर बनाने के लिए 200 टन भारी पत्थर कैसे ले जाया जाता था? दिया गया जवाब, पहले एक इंक्लाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया होगा, फिर हाथियों के जरिए पत्थर को ले जाया गया होगा। दोस्तों अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।